नमस्ते, मैं उदेजा खान, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से। आज जन सरोकार मंच टोंक के कविता जब बोलती है के मंच पर, मैं अपनी कुछ छोटी छोटी कविताएं लेकर उपस्थित हूँ। यूं भी मेरी कविताएं छोटी ही होती है, इसलिए छोटी कविताओं में जो मर्म है वो चंद पंक्तियों में आप तक पहुंचे। आप ध्यान से सुनेंगे तो ये मेरे भाव संप्रेषित हो पाएंगे। कविता है जिंदगी की बिसात पर, कमाल ये कि प्यादे से लेकर राजा तक हर मोहरे की तरह चलना पड़ा मुझे। कमाल ये कि प्यादे से लेकर राजा तक हर मोहरे की तरह चलना पड़ा मुझे। वक्त, जरूरत, हाथी, घोड़ा, ऊंट बनना पड़ा मुझे। जीने का फार्मूला यही, बिना शिकायत हर खाने में फिट बैठना। जीने का फार्मूला यही, बिना शिकायत हर खाने में फिट बैठना। मगर रानी के तेवर अलग, मगर रानी के तेवर अलग, उसे मंजूर नहीं। सुरक्षा के नाम पर सीमा में कैद, खेल की आनंद से वंचित रहना। लेकिन रानी के तेवर अलग, उसे मंजूर नहीं। सुरक्षा के नाम पर कैद होकर खेल के आनंद से वंचित रहना। दूसरी कविता का शीर्षक है सुनो जरा। ईसा ने कहा, ऐ खुदा इन्हें माफ करना। ईसा ने कहा, ऐ खुदा इन्हें माफ करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बुराइयों का सलीब अभी तक इनके कंधों पर टिका है। बुराइयों का सलीब अभी तक इनके कंधों पर टिका है। गुनाहों का ताज सर पे उसी तरह रखा है। टूटी हुई कीलों का बेरहम बोझ भी, थकी हुई कीलों का बेरहम बोझ भी इंसान को होश में नहीं लाता। लहराता हुआ हैवानियत का परचम, शर्म से नहीं झुकता। गुजरी हुई सदियों की वही खौफ जदा आहट, गुजरी हुई सदियों की वही खौफ ज़दा आह यहाँ तक आ पहुंची है। वही खौफ ज़दा आहट यहाँ तक आ पहुंची है। ऐ खुदा ये अब भी नहीं जानते, ऐ खुदा ये अब भी नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या अब भी इन्हें माफ करोगे, क्या अब भी इन्हें माफ करोगे। अगली कविता है उम्र ने देखा। उम्र ने देखा बिना मरम्मत के मकान की तरह, उम्र ने देखा बिना बिना मरम्मत के मकान की तरह खुद को रोजाना गिरते हुए। जिस्म की दीवार से कई ईंटें निकलकर बिखरी पड़ी थी, जिस्म की दीवार से कई ईंटें निकलकर बिखरी पड़ी थी, जो जुड़ नहीं सकती थी किसी भी गारे से, जो जुड़ नहीं सकती थी किसी भी गारे से। इनसे बना लिए मैंने कई छोटे बड़े मकबरे, इनसे बना लिए मैंने कई छोटे बड़े मकबरे। इन मकबरों में आराम फरमा रही है कई आत्माएं, अनुभवों की, यादों की, प्रेम की। इनसे निर्मित हुआ सबसे बड़ा मकबरा प्रेम करने वालों का, इनसे निर्मित हुआ सबसे बड़ा मकबरा प्रेम करने वालों का। अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी नामा। सुबह ने धूप के नाम खत लिखकर, सुबह ने धूप के नाम खत लिखकर गुजारिश की है
मिलने बुलाया है छत पर, साथ ही ताकीद भी कि आना तो तेज हवाओं को साथ मत लाना, कहीं किरकिरा ना कर दे मुलाकात का आनंद, कहीं किरकिरा ना कर दे मुलाकात का आनंद। सूरज से कहना हमको निहारे तो बादल की ओट से ही, सूरज से कहना हमको निहारे तो बादल की ओट से ही, तेज किरणों से हमें घेरे घूरे ना, तेज किरणों से हमें घूरे ना। यूं भी सर्दियों के रूखे मौसम ने, यूं भी सर्दियों के रूखे मौसम ने सोख ली है दिल की नमी, छज्जे के छाए में, छज्जे की छाया में दो गर्म प्यालियों से उठती भाप और मुंह से निकलता धुआं, जब मिलते हैं आपस में तो हो जाती है बादलों की आंखें चार। ये छोटी छोटी मुलाकातें जिंदगी नामा है कुदरत का, जिनमें जीने के बहाने ढूंढ ही लेता है मनुष्य, जिनमें जीने के बहाने ढूंढ ही लेता है मनुष्य। अगली कविता है देखते देखते। पूरे परिसर में बड़ आम, पीपल, गुलर, जामुन, कटहल राज करते हैं अपने हिस्से की धरती पर। पूरे परिसर में बड़ आम, पीपल, गुलर, जामुन, कटहल राज करते हैं अपने हिस्से की धरती पर। महुए की कौन कहे सफेद रसीली मादकता भोर होने ही टपकने लगती है, इन वृक्षों की जड़ों से, जड़ों की उपजाऊ मिट्टी से निकलने वाला फुटू यानी कि मशरूम, इन वृक्षों की जड़ों की उपजाऊ मिट्टी से निकलने वाला फुटू अंतराल के बाद इच्छा हुई उस स्थान को देखने की जहां गुजरा था समय वह संधि काल का, जहां गुजरा था समय वह संधि काल का, एक भी पेड़ नहीं बचा था, एक भी पेड़ नहीं बचा था जो अपनी बाहें फैलाकर अभिवादन करता, एक भी पेड़ नहीं बचा था जो अपनी बाहें फैलाकर अभिवादन करता। देखते देखते हर पेड़ बदल गया था इमारत में, देखते देखते हर पेड़ बदल गया था इमारत में। अगली कविता का शीर्षक है नोट की सीख। जाने कितने दलित पिछड़े निम्न वर्ण की जेबों से होते हुए सवर्ण की जेबों तक नोट अपनी यात्रा निर्विवाद रूप से करता है तय। जाने कितने दलित पिछड़े निम्न वर्ण की जेबों से होते हुए सवर्ण की जेबों तक नोट अपनी यात्रा निर्विवाद रूप से करता है तय, अस्पृश्यता के सिद्धांत का पालन करते हुए। नोट कभी अछूत नहीं हुआ, नोट कभी अछूत नहीं हुआ, ना ही घटा उसका मूल्य, ना ही घटा उसका मूल्य। जेबों और तिजोरियों में सुरक्षित रख लिया बापू को, जेबों और तिजोरियों में सुरक्षित रख लिया बापू को, और मूर्तियां बिना प्रतिकार के खड़ी कर दी चौराहों पर, और मूर्तियां बिना प्रतिकार के खड़ी कर दी चौराहों पर गांधी की विचारधारा। नोट पर अंकित उन 14 भाषाओं की तरह अनेकता में एकता का देती है सबूत गांधी की विचारधारा। नोट पर अंकित उन 14 भाषाओं की तरह अनेकता में एकता का देती है सबूत। फिर से एक कविता मेरी
पेड़ पर ही है, पेड़ का दुख सजीले रंगों से सजी धरती की काया, सजीले रंगों से सजी धरती की काया, जहां एक पेड़ अकेला खड़ा है किसी सवाल की तरह। कौन है जिसने अंग भंग कर दिए उसके, कौन है जिसने छीन लिया चिड़ियों का आशियाना, अब ये अपनी बाहें फैलाकर नहीं कर सकता स्वागत उड़ते परिंदों का, नहीं दे सकता आमंत्रण उन्हें घर बसाने का। कौन है जिसने अंग भंग कर दिए उसके, कौन है जिसने छीन लिया चिड़ियों का आशियाना, अब ये अपनी बाहें फैलाकर नहीं कर सकता स्वागत उड़ते परिंदों का, नहीं दे सकता आमंत्रण उन्हें घर बसाने का। दोस्त परिंदे आते हैं जब भी पूछ कर हाल चाल, उड़ जाते हैं दूर कहीं। दोस्त परिंदे आते हैं जब भी पूछने हाल चाल, उड़ जाते हैं दूर कहीं। पेड़ इस दुख में और भी सूखने लगा है, पेड़ इस दुख में और भी सूखने लगा है। इंटरनेट ने हमें आपस में जोड़ा तो बहुत है, लेकिन तोड़ा भी है। कुछ आभासी रिश्ते जो जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी की अवेलेबिलिटी ग्रीन डॉट हमको बताती है, कि ग्रीन डॉट है मतलब वो वहां पर मौजूद है, एक्टिव है। उन्हीं मनोभावों को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी है। ग्रीन डॉट, दो हरे बिंदु बरसों साथ रहे, दो हरे बिंदु बरसों साथ रहे एक जादुई तिलिस्म में, हरे पत्ते और लाल कलियों से संदेश मन के उद्यान में खिलने को आतुर, फूल सुगंध रंग बसंत बनकर, फूल सुगंध रंग बसंत बनकर। आखिर सारे फूल मुरझा गए एक दिन, सुगंध बिखर कर हो गई गायब, रंग फीके पड़ गए समय के साथ, और बसंत कहाँ रहता है सदा, और बसंत कहाँ रहता है सदा। जादू एक भरम है, जादू एक भरम है आभासी दुनिया का, जो टूट जाता है एक दिन जब ग्रीन डॉट ब्लैक होल बनकर, जब ग्रीन डॉट ब्लैक होल बनकर सोख लेता है उद्यान का सारा हरापन, जब ग्रीन डॉट ब्लैक होल बनकर सोख लेता है उद्यान का सारा हरापन। मदर्स डे पर एक कविता लिखी थी, बहुत ही हल्के फुल्के मिजाज की है, पर अर्थ इसमें गहरे हैं। स्वाद, उसका दुलार जैसे शकरपारे, उसका दुलार जैसे शकरपारे झिड़की मानो कोई अचार चटपटा, लहसुन मिर्च की तीखी चटनी सी डांट, लहसुन मिर्च की तीखी चटनी सी डांट, गुस्सा पापड़ की तरह, गुस्सा पापड़ की तरह चटाक से चूट टूट जाने वाला, प्यार शरबत बनकर भर देता तरावट से, माँ का प्यार शरबत बनकर भर देता तरावट से, नवरस से भरा ममता के स्वाद का 56 भोग, नवरस से भरा ममता के स्वाद का 56 भोग। जीते जी तो कोई नहीं भूल सकता माँ, जीते जी तो कोई नहीं सकता मां। इस कविता का शीर्षक है ईंट बनाकर। मैं तो मिट्टी थी उपजाऊ हरी घास प्रमाण है इसका, मैं तो मिट्टी थी उपजाऊ हरी घास प्रमाण है इसका। जो भी बीज बोए मैंने उगाए उन्हें, जो भी बीज बोए
मैंने उगाए उन्हें, फिर भी मुझे असंख्य टुकड़ों में बांट कर ले गए वो, फिर भी मुझे असंख्य टुकड़ों में बांट कर ले गए वो, भट्टी में पकाने के लिए मुझे ईंट बनाकर बना दिया बंजर, मुझे ईंट बनाकर बना दिया बंजर। ये आवास अब समाधियां है मेरी, ये आवास अब समाधियां है मेरी। इस कविता का शीर्षक है गुठलियां। जिनकी हथेलियों पर टिके हैं तुम्हारी कुर्सी के पाए, जिनकी हथेलियों पर टिके हैं तुम्हारी कुर्सी के पाए, उन्हें ही फेंक देते हो गुठली की तरह चूस कर उपेक्षा और तिरस्कार से, उन्हें ही फेंक देते हो गुठली की तरह चूस कर उपेक्षा और तिरस्कार से। यही गुठलियां बारंबार जन्म लेती हैं, यही गुठलियां बारंबार जन्म लेती हैं, बनती हैं वृक्ष, कटती हैं बनने के लिए तुम्हारी कुर्सी के पाए, बारंबार जन्म लेती हैं, बनती हैं वृक्ष, कटती हैं बनाने के लिए तुम्हारी कुर्सी के पाए। ये थी मेरी कुछ कविताएं, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार और धन्यवाद।